हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया है। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जो प्रीएम्बल का आइडिया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रीएम्बल है, तो वहीं से हमने ये आइडिया लिया और हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल डाला। तो इसका आंसर डी है, यूएसए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो वर्डिंग है, ये जो लैंग्वेज है, अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट में ऐसी लैंग्वेज थी, उसको यहाँ से हमने इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट में क्या लिखा था, पहले तो देखो, ये जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बताया था कि हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 की लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया, दो बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो इंडिया में सबसे ऊपर सुप्रीम क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट्स हों, चाहे वो लोकल बॉडीज हों, सबके सब जो पावर्स डराइव करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ है वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये, हमने वहीं से इस चीज़ को बोरो किया है। जुडिशियल रिव्यू हमें मालूम ही है, कोई भी अगर लेजिस्लेटिव एक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होती है, तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो वैलिड है या नहीं है। और कोर्ट अगर वो वैलिड नहीं होती है तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। देन ये क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2017, एसर्शन और रीजनिंग वाला है। ए एंड आर वाले हमने आपको बताए थे कि ए एंड आर में आपको ये देखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं है, और अगर दोनों सही हैं तो क्या आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यही इसके ऑप्शंस होते हैं। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। दोनों में से एक रॉन्ग हो सकता है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। तो देखते हैं ये दो स्टेटमेंट अपने। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड इन इंडिया। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक बात है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, ये बात तो ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि हमने बहुत कुछ बोरो किया है। और स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये भी लिमिटेड है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये बी आंसर है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड एज डिसाइडेड इन द केस 1 द भारती केस 1973। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पावर ऑफ इंडियन जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ की, वो कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिया है, उसको हमने यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की है, कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द विच कंट्री। ठीक है, ये भी देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया, सेम क्वेश्चन दूसरे शब्दों के साथ में रिपीट किया गया है, तो वही है कैनेडा, अभी हमने बताया था। ये देखो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़। देखो बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नहीं इसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो है इंडिया और
ब्रिटेन के सिस्टम में मिलते हैं। देन अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी दोनों जगह है, इंडिया में और ब्रिटेन में। देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी दोनों जगह है, इंडिया में ब्रिटेन में। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यस ये डिफरेंस है, ब्रिटेन में ये नहीं है, इंडिया में है। तो ये डिफरेंस है हमारा, इंडिया और ब्रिटेन की हम बात करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देन ये देखो UPPCS में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सेम क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, तो हमने अभी आपको बताया था कि इंडिया और USA दोनों जगह पर है ये। ठीक है, तो इंडिया ओनली गलत हो जाएगा, USA ओनली गलत हो जाएगा, इन चार ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो। UK में तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया, UPSC में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया और अमेरिका में। सिंगल सिटीजनशिप कॉमन नहीं है, देखो USA में क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप है, USA के जो सिटीजन्स हैं वहाँ स्टेट्स की और सेंटर की अलग अलग सिटीजनशिप होती है। देन थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ये भी कॉमन फीचर नहीं है। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, ये भी कॉमन फीचर नहीं है। ये वाला है अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो यही एक कॉमन फीचर है इंडिया और USA के सिस्टम्स में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।